जिलाधिकारी कार्यालय के 20 कर्मी सभागृह में कोविड उपाय योजना के साथ अन्य विषयों का जायजा आयुक्त प्राजक्त लवंगारे ने लिया। हाल की स्थिति में कोरोना का प्रादुर्भाव कम हुआ, फिर भी इससे गाफिल न रहते हुए सतर्क रहे। तज्ञों के अनुसार तीसरे लहर की संभावना जताई जा रही है, जिसे जिला प्रशासन ने कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना के लिए सज्ज रहे। ऐसी सूचना नागपुर विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने की। जिलाधिकारी कार्यालय के 20 कलमी सभागृह में कोविड विषयक जायजा लेते समय वे बोल रहे थे। इस समय जिलाधिकारी अजय गुल्हा ने सहायक जिलाधिकारी रोहन फुके, अतिरिक्त जिलाधिकारी विद्युत वरखेड़कर, प्रभारी निवासी उप जिलाधिकारी जनार्दन लोंढे, मनपा अतिरिक्त आयुक्त विपिन पालीवाल, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम वाखरडे, वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर अविनाश टेकाडे, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर निवृत्ति राठौड़, जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार गहलोत, जिला सर्वेक्षण अधिकारी डॉक्टर मिलिंद सोमकुवर, जिला लसीकरण अधिकारी डॉक्टर संदीप गेटाम आदि उपस्थित थे। इस समय उन्होंने जिले की कोविड विषयक जानकारी जानी, साथ ही उपस्थित उपविभागीय अधिकारियों की ओर से महसूल विषयक व सभी नगर पालिका के मुख्याधिकारी की ओर से शहर के इलाके की योजनाओं की अमल बजावनी का जायजा लिया। बैठक में उपविभागीय अधिकारी क्रांति डोम्बे, संपत खलाटे, संजय ढवड़े, प्रकाश संकपाड़, इनके साथ ही संबंधित तहसीलदार व नगर परिषद मुख्याधिकारी आदि उपस्थित थे।